पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। साल 2022 के बाद से ही उसकी इकोनॉमी भारी संकट का सामना कर रही है। हालात ऐसे हैं कि महंगाई चरम पर है और लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान खुद अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेलआउट पैकेज पर सर्वाइव कर रहा है। ऐसे में एक नए पेट्रोलियम रिजर्व का उसकी समुद्री सीमा में मिलना पाकिस्तान के लिए खजाना हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? पाकिस्तान को IMF से करीब 7 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज मिला है। पाकिस्तान के बनने के बाद अब तक उसे IMF से 24 बेलआउट पैकेज मिल चुके हैं। जब पाकिस्तान बेलआउट पैकेज पर सर्वाइव कर रहा है तो कैसे समुद्री सीमा से पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस निकालने के लिए सक्षम हो पाएगा? पाकिस्तान की समुद्री सीमा में जिस पेट्रोलियम रिजर्व मिलने का दावा किया जा रहा है उसे दुनिया में चौथा सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार होने का अनुमान है। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 साल के सर्वे के बाद इस भंडार का पता चला है। अगर पाकिस्तान को इस पेट्रोलियम भंडार का आर्थिक फायदा उठाना है तो उसे जल्द ही यहां पर कुओं की खुदाई, एक्सप्लोरेशन इत्यादि का काम करना होगा। लेकिन इसमें समस्या ये है कि तुरंत कार्यवाही करने के बावजूद यहाँ से कच्चे तेल का प्रोडक्शन शुरू होने में कुछ साल का वक्त लग सकता है। इस भंडार से एक्सप्लोरेशन पर ही पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर का निवेश करना होगा। मौजूदा समय में वेंजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जबकि सऊदी अरब, ईरान, कनाडा और इराक दुनिया के टॉप 5 देशों में शुमार हैं। अब सवाल ये है कि जब पैसा ही नहीं है तो खुद से पेट्रोलियम रिजर्व के एक्सप्लोरेशन में निवेश करने के लिए और क्या विकल्प हो सकते हैं? इसमें सबसे आसान विकल्प ये हो सकता है कि ये दुनिया की उन तमाम कंपनियों को आमंत्रित कर सकता है जो इस काम को करने में माहिर हैं, या कंपनियां पार्टनरशिप या रॉयल्टी बेसिस पर पाकिस्तान के साथ करार करके पेट्रोलियम रिजर्व के एक्सप्लोरेशन का काम करेंगी और उसमें निवेश करेंगी। इससे पाकिस्तान को बिना निवेश भी अच्छी कमाई का मौका मिल जाएगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। साल 2022 के बाद से ही उसकी इकोनॉमी भारी संकट का सामना कर रही है। हालात ऐसे हैं कि महंगाई चरम पर है और लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान खुद अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेलआउट पैकेज पर सर्वाइव कर रहा है। ऐसे में एक नए पेट्रोलियम रिजर्व का उसकी समुद्री सीमा में मिलना पाकिस्तान के लिए खजाना हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? पाकिस्तान को IMF से करीब 7 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज मिला है। पाकिस्तान के बनने के बाद अब तक उसे IMF से 24 बेलआउट पैकेज मिल चुके हैं। जब पाकिस्तान बेलआउट पैकेज पर सर्वाइव कर रहा है तो कैसे समुद्री सीमा से पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस निकालने के लिए सक्षम हो पाएगा? पाकिस्तान की समुद्री सीमा में जिस पेट्रोलियम रिजर्व मिलने का दावा किया जा रहा है उसे दुनिया में चौथा सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार होने का अनुमान है। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 साल के सर्वे के बाद इस भंडार का पता चला है। अगर पाकिस्तान को इस पेट्रोलियम भंडार का आर्थिक फायदा उठाना है तो उसे जल्द ही यहां पर कुओं की खुदाई, एक्सप्लोरेशन इत्यादि का काम करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।